हेलो गाइस, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं फिर से हरियाणा ग्रुप डी परीक्षा को लेकर। और आज हमारी जो विज्ञान की क्लास है वो क्लास हमारी 3 रहेगी, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार हरियाणा के एग्जाम्स में आते हैं और अदर एग्जाम्स में भी आते हैं। आपको पता है 8 से 10 नंबर की साइंस आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम फोड़े। ये सभी क्वेश्चन हैं वो हरियाणा के एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, ये आपको अपना प्रैक्टिस सेट लगा कर चलना है। इसमें आपको 20 क्वेश्चन दूंगा। बाद में आप मुझे अपना स्कोर भी कमेंट कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। आपका पहला क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के जनक कौन है? ऑप्शन है आपके ग्रेगर मेंडल, रॉबर्ट हुक, हॉगडी ब्रिज या फिर डार्विन। और हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकता का जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ठीक है, देखिए ये जीन शब्द की बात कर रहा है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है आपके मेंडल ने, जोहानसन ने, बैटसन ने या फिर वाटसन एवं क्रिक ने। और हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जोहानसन ने जो है वो जीन शब्द का प्रयोग किया। याद भी कर सकते हैं, ज से जीन और ज से जोहानसन ऐसे पकड़ के, बट ये ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रह सकता, ठीक है। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है जोहानसन ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मनुष्य का अनुवांशिक रोग है? ऑप्शन है आपके हैजा, टाइफाइड, हाइड्रोफीबिया या फिर हीमोफीलिया। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया जो है वो अनुवांशिक रोग है और इस रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। और अनुवांशिक रोग आपको पता है एक वर्णधरता होती है, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनर सिंड्रोम, ये सभी अनुवांशिक रोग होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित होते रहते हैं, ठीक है। और इसका जो है कोई भी परफेक्ट इलाज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक्स का नाम किसने दिया? ठीक है, जेनेटिक्स नाम किसने दिया? ऑप्शन है हुक, मेंडल, डार्विन या फिर बैटसन। और जो पिछला क्वेश्चन था वो था हमारा जीन शब्द का प्रयोग किसने किया, ये है हमारा जेनेटिक्स का नाम किसने दिया। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बैटसन ने जो है वो जेनेटिक्स का नाम सर्वप्रथम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो ठीक है, हम इसको लेफ्ट कर देते हैं क्योंकि इसका क्वेश्चन हमारा आंसर सही ही होगा, जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुष जीन संघटक होते हैं, यानी पुरुषों में कौन सा जो है वो जीन पाया जाता है, एक्स 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 वाई वाई या फिर एक्स? ये क्वेश्चन आ चुका है हरियाणा के एग्जाम्स में और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स वाई जो है वो पुरुषों में पाया जाता है। और अब बात कर लेते हैं एक्स एक्स की, तो ये पाया जाता है हमारा महिलाओं में। देखिए पुरुषों में जो होता है जीन गुणसूत्र, ये भी पूछा गया है, 22+Y होता है पुरुषों में, ठीक है, ये हरियाणा के एग्जाम्स में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे के एग्जाम्स में भी आ चुका है, ये अभी जो चल रहे हैं इसमें 3-4 बार पूछा जा चुका है। गैम्बिट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है आपके मेंडल ने, मेंडलीफ ने, डार्विन ने या फिर रदरफोर्ड ने। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, मेंडल। गैम्बिट की शुद्धता का नियम जो है वो मेंडल ने प्रतिपादित किया। मेंडलीफ ने आपको पता है आवर्त सारणी की खोज की थी, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने और भी बहुत सारी खोजें की हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर कोई नहीं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाकाहारी को हम प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। अब शाकाहारी में कौन सा रहता है? देखिए मानव जो है वो कभी भी शाकाहारी में नहीं आता, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होता है। ऑप्शन में कई बार दे दिया होता है, देखिए गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, जो मांस नहीं खाते, जो अनाज खाते हैं या फिर जो नेचुरल चीज़ें खाते हैं उनको बोलते हैं हम प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे होंगे। आप देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो नेचुरल चीज़ें खाते हैं, ठीक है, शाकाहारी होते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता की बात करूँ तो वो होते हैं मांसाहारी, ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और देखिए सर्वाहारी हम किसको बोलते हैं, जो कि जो दोनों चीज़ें खाते हैं उनको हम सर्वाहारी बोलते हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते हैं। सहजीविता का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लाइकेन, अधिपादप, कवक या फिर ये सभी? देखिए मुझे पता आप इसका आंसर ये सभी देंगे अगर आपको आंसर नहीं पता, बट ये आंसर हमारा गलत होगा। सहजीविता का उदाहरण होता है लाइकेन, ठीक है, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइकेन। नेक्स्ट है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अब देख इस क्वेश्चन में आपके 2 डाउट होंगे जो मैं क्लियर करूंगा। पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, हैकेल ने, टेंसले ने, रेटर ने या फिर मेंडल ने। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? अब देखिए इकोलॉजी को हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र, ठीक है ना, पारिस्थिति,
ठीक है, पारिस्थिति। हमारा राइट आंसर वो देखिए होगा ऑप्शन बी रिटर। रिटर ने जो है वो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। और पारिस्थितिकी अगर हम तंत्र की बात करें तो वो हमारा आंसर टेंसले होगा, ठीक है। ये दो आंसर अलग अलग हैं, शब्द की बात करें तो हमारा आंसर रिटर होगा और टेंसले होगा हमारा पारिस्थितिकी तंत्र का राइट आंसर, ठीक है। रिटर ने जो है वो पराबैंगनी किरणों की भी खोज की है, ये भी आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन भी है। पारिस्थितिकी, जीवांश की, अनुवांश की या फिर कोश की। वातावरण एवं जीवन के संबंध के अध्ययन को क्या बोलते हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ठीक है। पारिस्थितिकी का प्रयोग किसने किया है, वो किया है हमारा रेटर ने। और पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की है, वो की है हमारी टेंसले ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है जीन बने होते हैं। जीन को हम जेनेटिक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। जीन बने होते हैं ऑप्शन है डीएनए, आरएनए, प्रोटीनों के या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीन जो होते हैं वो केवल डीएनए के बने होते हैं। और डीएनए के नाभिक में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। नेक्स्ट, लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। लाइकेन किसमें पाए जाते हैं, ऑप्शन है शैवाल और ब्रायोफाइटा में, अधिपादप और अंतपादप में, शैवाल और कवक में या फिर मांस और कवक में। लाइकेन सहजीवी किसमें पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी शैवाल और कवक में लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है बट आप एडजस्ट करना। सारगेसो समुद्र का नाम पड़ा, कवकों के कारण, आवर्तबीजी के कारण, शैवालों के कारण या फिर ब्रायोफाइटा के कारण। सारगेसो समुद्र का नाम पड़ा, उम्मीद करता हूँ आपने इसका आंसर दे दिया होगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शैवालों के कारण जो है वो सारगेसो सागर का नाम पड़ा, ठीक है। शैवाल जो होते हैं वो आपको बता दूँ स्वपोषी होते हैं, मीन्स अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा या फिर दोनों या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऊर्जा का पिरामिड होता है, राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अजीवक कारक है, जल, कार्बोहाइड्रेट्स, ताप या फिर ये सभी, इनमें से कौन अजीविक कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ठीक है। ऊर्जा का निम्न में से कौन अजैविक कारक है, तो इसका आंसर होगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। देखिए वो हमारा पहला क्वेश्चन था, पुरुषों में किस प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें मनुष्य यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों काउंट होते हैं, पर इसने पूछा कि किस गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। तो देखिए इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा एक्स और वाई, क्योंकि देखिए एक्स से भी लिंग निर्धारण होता है और वाई से भी लिंग निर्धारण होता है। अगर एक्स एक्स हो जाए तो फिर लड़की पैदा होती है और एक्स वाई होता है तो पुरुष पैदा होते हैं या फिर लड़के पैदा होते हैं, ठीक है। तो दोनों में जो है एक्स और वाई दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लिंग निर्धारण में एक्स और वाई दोनों ही गुणसूत्र जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक, शैवाल, ट्रिलियम या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका हम राइट आंसर पे जाएंगे ऑप्शन सी ट्रिलियम, सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है वो होता है हमारा ट्रिलियम, ठीक। नेक्स्ट, सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा होता है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हरियाणा ग्रुप डी के लेवल से। शैवाल, कवक या फिर ट्रिलियम या फिर कोई नहीं, सबसे छोटा गुणसूत्र कौन सा होता है ये आपको बताना है। और देखिए हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शैवाल, सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल, सबसे बड़ा गुणसूत्र होता है ट्रिलियम, ठीक है। ये आप याद रखेंगे दोनों क्वेश्चन। तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू गाइज फॉर लव एंड सपोर्ट, धन्यवाद दोस्तों।